अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हैबर खान। और आप जैसे कि देख सकते हैं इस टाइम हम पेशावर सर्विसेज क्लब में हैं, जो कि पेशावर में एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली आउटिंग की जगह है। यहां पे आने के लिए आपको मेंबरशिप कार्ड बनवाना पड़ता है और मेंबरशिप कार्ड हर कोई ले सकता है। और आपका एक इसमें छोटा सा एक इंटरव्यू होता है, उसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाता है कि आप उस पर फिट आते हैं तो फिर ये कार्ड आप अवेल कर सकते हैं। इसकी आपकी अपनी मेंबरशिप फ़ीस होती है मंथली, और उसको आप साथ साथ पे करते हैं। तो जब आप पे करते हैं तो उसके साथ आप फैसिलिटीज़ का यहाँ पे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो आए आपको एक व्यू करवाते हैं। इस टाइम मेरी जो राइट साइड पे जो है इसके टेनिस कोर्ट्स है, वो आप शुरू में देख सकते हैं, क्ले कोर्ट्स है। और ये वॉकिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ जो है ये यहाँ के टेनिस जो है लॉन टेनिस की जगह है। जब यहाँ से मैं कैमरे को राइट साइड पे घुमाता हूँ और ये आप बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग मेरे देख रहे हैं इसको मैं जूम करता हूँ, ये बिल्डिंग जो है ये गेस्ट रूम्स हैं। आप मेंबर हो के इसको अवेल कर सकते हैं, या आप किसी आर्मी ऑफिसर खुद हैं या आप किसी को जानते हैं उसके थ्रू भी आप यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरह मैं कैमरा घुमाते हुए इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाता हूँ, तो ये आप जो सामने लॉन देख रहे हैं और ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है उसको मैं जूम करता हूँ, ये बिल्डिंग है क्लब कैफ़े की। यहाँ पे आप स्नैक्स, कॉफ़ी, टी, इसके भरपूर मज़ा उठा सकते हैं इसका। और फिर अगर मैं दोबारा इसको फुल राइट की तरफ घुमाऊँ तो आप जब अपने ये जो मेरा लॉन देख रहे हैं, इस लॉन को चिनार लॉन कहते हैं। इस चिनार लॉन में यहाँ पे लोग जो है अलाकार्ट डिनर के लिए और लंच के लिए आते हैं, यहाँ बाहर बैठते हैं। और आप चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं, पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप ऐसी जगह पे आए जहाँ ताज़ा हवा हो और लोग सुकून से बैठकर खाना पीना खा सके और गपशप कर सके। टोटली एक फैमिली इन्वायरमेंट है। तो ये इसका जो हमारा मेन अलाकार्ट का एरिया है, तो इस वजह से जो है ना ये मैंने आपको कहा, आपको मैं दिखा दूँ इसका पूरा व्यू। तो इस टाइम यहाँ पर लॉन में लोग बैठे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इसकी बैक साइड पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बैंक्वेट हॉल है हमारे, यहाँ पे शादी के इवेंट्स वगैरह होते हैं। और इसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे इसका जो विज़िट है वो करवाता हूँ। तो आगे आप जाके देखेंगे कि इसकी जो राइट साइड है वहाँ पे बच्चों के खेलने का एरिया है, और वहीं पे उसके साथ ही स्विमिंग पूल है, जिम है, और उसके अलावा मस्जिद है पेशावर क्लब की। तो आप यहाँ पर आके एक बहुत ज़्यादा जो है ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप अपने घर में हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं देता जहाँ पे कि आप किसी टिपिकल क्लब में चले गए हैं। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है और वो बहुत जो आपको है फैसिलिटेट करते हैं हर चीज़ में। ये यहाँ की मेन एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है और यहाँ पे इनके ऑफिसेज वगैरह है। यहाँ पे आपको मेम्बरशिप की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है। मैं आपको उसका ऑफिसेज वगैरह भी दिखा देता हूँ अभी। अगर हम दिखाते हैं कि आप अगर पेशावर क्लब में आते हैं, ये उसका एंट्री का गेट है, ये वही लॉन है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, और ये इसके जो है ना हिस्टोरिकल जो है लेटर बॉक्सेस है, इसकी निशानी को आप पीछे लगते हुए आप साथ आएंगे इसकी बैक साइड पे। जब आप बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आता है मेन ऑफिस। इस मेन ऑफिस में आके आप मेंबरशिप के फॉर्म और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेन ऑफिस का दरवाज़ा है, साथ में मेन ऑफिस का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये यहाँ का जो है पीएससी का आपका जो है नोटिस बोर्ड है, और इसमें मेंबर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, टाइमिंग्स वगैरह भी होती है समर और विंटर्स की। उसके अलावा अगर आप यहाँ से राइट टर्न लें तो जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ पे साथ ही बुकिंग और रिज़र्वेशन ऑफिस है। अगर आपने यहाँ शादी हॉल में कोई इवेंट तरह की बुकिंग करवानी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। शेख सदफ़ साहब हैं, बुकिंग मैनेजर ही उनका ऑफिस है, इधर आके उनके आप बुकिंग भी करवा सकते हैं उनके पास। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बाहर आते हैं तो क्लब के पास एटीएम की भी फैसिलिटीज़ है, तो इस एटीएम की फैसिलिटी पर लोग बहुत खुशी फील करते हैं क्योंकि ये तो एक तो सेफ़ जगह पर है। दूसरा ये है कि अगर इंसान अपने साथ कैश ना भी कैरी कर रहा हो तो यहाँ पे आपको एटीएम की फैसिलिटी हो मिल जाती है, आप अपना कार्ड जो है स्वाइप करके कैश निकाल सकते हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये बारबर शॉप है, बारबर शॉप, यहाँ पे आप हेयर कटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं।
और इसके साथ जो है ये बैडमिंटन एरिना है बैडमिंटन के लिए, ये हेल्थ एंड फिटनेस क्लब है, और इसके बिल्कुल साथ इस तरफ आप देखें तो ये जिम एंड स्विम, ये स्विमिंग पूल है, और ये इसी तरह फिर हमारा जो है गेस्ट रूम लॉन आता है, इसमें इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, और ये क्लब कैफ़े के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे लोग बैठते हैं और कॉफ़ी और स्नैक्स का मज़ा लेते हैं। तो ये हमारा एक जनरल सा व्यू था, बड़ा ही खूबसूरत क्लब है, 1863 में बना था, अंग्रेज़ों के वक्त में बना था, यहाँ वेल हंट क्लब होता था, अभी भी आप देख सकते हैं पुराने पुराने यहाँ पे दरख्त हैं और बहुत खूबसूरत सीन्स हैं, बहुत पीस ऑफ माइंड है। इन सारे दरख्तों के अंदर मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो लाइटें लगी हुई हैं, रात को जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो ये दरख्त बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये है पेशावर का हिस्टोरिकल पेशावर सर्विसेज क्लब, इसकी मेम्बरशिप सबके लिए ओपन है और हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बस शर्त ये है कि आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है और उसके बाद जो है वहाँ पे आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो फ़ीस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी है और सिविल लोगों के लिए भी है। कितनी है वो आपको मेन ऑफिस जो मैंने दिखाया था वहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, आपके अपने होस्ट खैबर खान को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, मेरा आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।